हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने पिछले क्लासेस को एंजॉय किया होगा। अभी तो बीच में दो चार दिनों का गैप हो गया, उसके लिए सॉरी बच्चों। लेकिन अब आप लोगों को कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी। बीच में कुछ समस्या होने की वजह से आप लोगों को क्लासेस नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अभी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को डेली बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न मिले और आपका ये प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छे से चले और आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो जाए, ताकि आगामी एग्ज़ाम में आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस करें। तो चलिए बच्चों, आज के क्लास की शुरुआत करेंगे और आज भी आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और आज के प्रश्नों में ज़्यादातर हमने साउथ के प्रश्नों को लिया है, क्योंकि साउथ के इतिहास से अब क्वेश्चन बहुत बनने लगे हैं और साउथ का इतिहास अक्सर अछूता रह जाता है, जबकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज आपके ज़्यादातर क्वेश्चन साउथ के इतिहास से मिलेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? पहला ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, दूसरा ऑप्शन है राजराज, तीसरा ऑप्शन है विजयालय और चौथा ऑप्शन है परांतक। तो बताएंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है कि किस राजा ने चोल साम्राज्य की नींव डाली थी, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप आपने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा और आपके लिए क्वेश्चन आसान है। आप इसको बता सकते हैं कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, विजयालय आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। विजयालय ने ही चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये किसके सामंत थे, भी क्वेश्चन आता है कि चोल किसके सामंत थे, तो ये पल्लवों के सामंत थे। ये पल्लवों के सामंत थे और इन्होंने पल्लवों को ही हरा करके धीरे धीरे करके उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इन्होंने पल्लव और पांडे, ऊपर के क्षेत्र में पल्लव थे और नीचे के क्षेत्र में पांडे थे, और जो आपका वर्तमान तमिलनाडु है इसी में और आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा नीचे का इलाका जो है, यहाँ पर पल्लव थे और पांडे तमिलनाडु में नीचे के इलाके में थे। पल्लव और पांडवों के साम्राज्य से लड़ाई कर करके चोलों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और धीरे धीरे करके ये साम्राज्य समाप्त हो गए और चोल जो है पूरी तरह से विस्तारित हो गए थे। तो चोल जो है किसके सामंत थे, पल्लवों के थे, और इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की है। और जो संस्थापक हैं वो आपके कौन हैं, विजयालय हैं। आई होप बच्चों इसका आपको आंसर पता रहा होगा, और बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर में भी आता है और हिस्ट्री में भी आता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? पहला ऑप्शन है बृहदेश्वर, दूसरा ऑप्शन है लिंगराज, तीसरा ऑप्शन है कंदरिया महादेव का मंदिर और चौथा ऑप्शन है लेपाक्षी मंदिर। तो बताएंगे बच्चों, कौन सा मंदिर परिसर है जिसके परिसर या प्रांगण में नंदी की भारी भरकम जो है मूर्ति वो देखने को मिलती है, जो इंडिया की सबसे बड़ी नंदी मूर्ति है। आपको पता है नंदी मतलब शिव की जो सवारी है, नंदी बैल, इन्हीं की मूर्ति बनी है। आपको बताना है बच्चों कौन सा है वो मंदिर, बहुत ही बढ़िया है और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये कई बार एग्जाम में है इसलिए आपको बताना है। आई होप आपको पता चल चुका होगा कि आपका जो बृहदेश्वर मंदिर है इसी के प्रांगण में, इसी के परिसर में है नंदी की भव्य मूर्ति, और ये एकास्म है। एकास्म मतलब होता है कि एक पत्थर को काट कर बनाया गया भारत का सबसे बड़ी नंदी मूर्ति। बहुत ही अद्भुत है ये कि एक ही जो है पत्थर को काट करके उसको बैल की आकृति में बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। और आपको पता होगा बृहदेश्वर मंदिर का नाम राजराजेश्वर मंदिर भी है, राजराजेश्वर मंदिर भी इसी का नाम है, याद रखेंगे। बनाया किसने है इसको, राजराज फर्स्ट ने, एग्ज़ाम में बार बार आता है किसने बनाया है, राजराज फर्स्ट ने इसको बनाया है। इसका नाम बृहदेश्वर मंदिर भी है और राजराजेश्वर मंदिर भी है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसी मंदिर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर भी रखा हुआ है, जिसको ऊपर ले जाने के लिए बहुत लंबे जो है ब्रिज का निर्माण किया गया था। तो ये मंदिर तंजावुर में है, ये भी क्वेश्चन आता है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तंजावुर में है। किसने बनाया है, राज राज प्रथम ने, इसका और क्या नाम है, राजराजेश्वर भी है,
और इसी के प्रांगण में है नंदी की भव्य मूर्ति और ये जो है द्रविड़ शैली का सबसे बेहतरीन मंदिर का उदाहरण भी है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न एग्जामों में ये प्रश्न बार बार देखा गया है और आई होप इसका आंसर आपको पता होगा बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, तीसरा है श्रीलंका के साथ व्यापार, चौथा है तमिल संस्कृति की उन्नति। आई होप आप इसका आंसर बता सकते हैं बिकॉज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सबको पता होना चाहिए बच्चों कि जो चोल हैं ये अपने कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा विख्यात हैं, जिसमें सबसे पहले कि दक्षिण भारत में कला संस्कृति के विकास में इन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, इसीलिए चोल काल को दक्षिण भारत के इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। साथ ही चोलों ने ही ग्राम प्रशासन या ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन भी इसको कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन सबसे पहले इन्होंने ही लागू किया था, ग्राम पंचायत आए या स्थानीय स्वशासन आए, याद रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बार बार आता है कि किस राजवंश का स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायत बहुत ही बढ़िया था या कौन सा राजवंश इसके लिए प्रसिद्ध था। तो चोल प्रसिद्ध थे बच्चों। साथ ही नौसेना सबसे अच्छी किसकी थी, तो ये भी याद रखेंगे नौसेना सबसे अच्छी चोलों की ही थी और साथ ही दक्षिण राज्यों में चोल चेल पांडे पल्लव में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आपके चोल ही थे, जिन्होंने बहुत सारे राज्यों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया था और एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था, जिसमें राजराज प्रथम और राजेंद्र फर्स्ट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे बच्चों, चोलों का ही साम्राज्य काफ़ी विस्तार था, इन्होंने ही सबसे शक्तिशाली नौसेना का विकास किया था, स्थानीय स्वशासन इन्हीं का सबसे बढ़िया था और इन्हीं के काल को दक्षिण का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी बहुत बढ़िया है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वह कहाँ है? कौन सा जो है आपका अभिलेख है या शिलालेख है जिसमें चोल काल के प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है? बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके स्थानीय प्रशासन का उल्लेख देखने को मिलता है। तो आपको बताना है क्या ये तंजावुर में है, फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा उरैयूर, तीसरा कांचीपुरम, चौथा उत्तर मेरूर। ये सारे प्लेस तो हैं चोल के अधीन ही, लेकिन इनमें से कौन सा प्लेस है जहाँ से अभिलेख मिला है और उस अभिलेख में इनके स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है? और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, उत्तर मेरूर अभिलेख से ही इनके स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको रिवीजन करते रहिएगा बार बार, जितने प्रैक्टिस सेशन आपके चल रहे हैं उनका रिवीजन भी बार बार करते रहिएगा ताकि एग्ज़ाम में गलतियाँ ना हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? चोल साम्राज्य में जो विभिन्न तरह के प्रशासन होते थे उनके लिए समितियां बनाई जाती थी और उन समितियों को कहा जाता था वारियम, और ये वारियम विभिन्न जो है समितियां विभिन्न भागों में बटे थे और अलग अलग क्षेत्रों का प्रशासन अलग अलग समितियों के द्वारा देखा जाता था, जैसे कि मौर्य साम्राज्य में था। तो आपको बताना बच्चों, उद्यान प्रशासन का काम कौन देखता था, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। पहला है पूर्णवारियम, दूसरा है एरीवारियम, तीसरा है टोटवारियम, चौथा है संवत्सरवारियम। तो बताएंगे बच्चों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका कि चोल शासकों के शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान वारियम था, और आई होप अगर आपने कभी ये क्वेश्चन देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है और इसका जो आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, टोटवारियम इसका सही आंसर है बच्चों, यही आपका उद्यान विभाग है, उद्यान का देखभाल करता है। इसके अलावा बच्चों ये भी याद रखेंगे कि पूर्णवारियम क्या है, ये स्वर्ण से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो सोने की खरीद बिक्री होती है ऐसी चीज़ों के ऊपर जो देख रेख करता है वो समिति जो है वो स्वर्ण समिति है और स्वर्ण समिति को कहा जाता था पूर्णवारियम। एरीवारियम जो है ये तालाब समिति है, तालाब समिति याद रखेंगे बच्चों, ये क्या है, तालाब समिति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसको कहा जाता है एरिवारियम, और पूर्णमारियम ये आपका क्या है, ये आपका है स्वर्ण समिति, और आपका टोटवारियम उद्यान समिति, और आपका संवत्सर वारियम ये क्या है, ये वार्षिक समिति है, ये आपका क्या है, वार्षिक समिति है, वार्षिक समिति है बच्चों, याद रखेंगे वार्षिक समिति है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, बिकॉज आपके लिए नए भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने लगे, अब दक्षिण के इतिहास को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आईएएस का क्वेश्चन है, प्रश्न है, पहला आपके पास दो कथन हैं, आपको इन कथनों को पढ़ना है और आपके पास ऑप्शंस हैं, इसकी सहायता से आपको उत्तर देना है। पहला आपका कथन है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता, आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, क्या केवल एक सही है या केवल दो सही है या दोनों सही हैं या इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा सही है। आई होप अगर आपने अच्छे से दक्षिण भारत इतिहास को पढ़ा है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने इसको बहुत डिटेल से पढ़ाया है और आई होप आपने इसको पढ़ा होगा और आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसमें से कोई भी है जो गलत नहीं है, यानी कि भारत पर प्रारंभिक जो मध्यकाल समय का जो प्रभुत्व है ये चोलों ने स्थापित किया था, और कैसे स्थापित किया है, तो चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन समय का जो है शुरुआत किया है, बिल्कुल सही है। और दूसरा भी सही है कि चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता था, मैंने आपको बताया ही है डिटेल क्लास में बहुत अच्छे से, इन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई के राजाओं के ऊपर आक्रमण कर उनसे टैक्स वसूला था और अपना उनको अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था, इन्होंने श्रीलंका मालदीव इन सभी क्षेत्रों को जीता, साथ ही अरब सागर बंगाल की खाड़ी इन सभी क्षेत्रों में जो जलीय मार्ग से व्यापारी आते जाते थे उन सब से इन्होंने टैक्स वसूला था, याद रखेंगे सबको टैक्स देना पड़ता था चोलों को इनकी सैन्य शक्ति की वजह से, बिकॉज इनकी सैन्य शक्ति बहुत मजबूत थी जिसकी वजह से ये आसपास के जलीय क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके रखते थे, सोचिए एंशिएंट काल में हमारी नौसेना कितनी मजबूत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम में कई बार आया है, ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर में भी आता है और हिस्ट्री पार्ट में भी आता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो पार्ट आर्ट एंड कल्चर से भी कवर होते हैं वो क्वेश्चन और भी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बताना है कि दक्षिण भारत के विशेषकर चोल साम्राज्य से या चोल युग से संबंधित विश्व का वो श्रेष्ठतम प्रतिमा मूर्ति रचना का नाम क्या है, पहला है महिषासुर मर्दिनी, क्या ये विश्वतम श्रेष्ठतम है विश्व में, या नटराजन, या आपका तीसरा है राम, और चौथा है सोम अस्कंदन, तो आपको बताना बच्चों कौन सी प्रतिमा है, और ये आपके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है आर्ट एंड कल्चर में भी और हिस्ट्री में भी, यहाँ तक कि आर्ट एंड कल्चर में मैंने बहुत ही विस्तार से बताया कि उनके चारों हाथों की जो सिचुएशन है वो क्या बताते हैं, उनका जो नृत्य मुद्रा है वो क्या बताता है, नटराजन के चारों तरफ जो अग्नि बलय है वो क्या संकेत करते हैं, मैंने इन सारी बातों को एक एक करके डिस्क्राइब किया है आर्ट एंड कल्चर की क्लास में, पूरी की पूरी नटराजन प्रतिमा का एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है, याद रखेंगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी मुद्रा के बारे में ही क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने इसको आर्ट एंड कल्चर में बहुत विस्तार से पढ़ाया है। तो आई थिंक अब तक तो आप लोगों को सब पता ही चल चुका है कि ये नटराजन की बात हो रही है और ये कैसी प्रतिमा है, ये कांस्य प्रतिमा है, ये भी याद रखेंगे कांस्य प्रतिमा है, और इस प्रतिमा में इनकी चार भुजाएँ हैं, चार भुजाएं हैं इस कांस्य प्रतिमा में, चार भुजाएं हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, चोल काल का है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे तथ्य आप लोगों को याद होने चाहिए। आप इसको जो है याद रखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हीं किस रूप में प्रदर्शित करती है। ये क्वेश्चन भी आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन में आ चुका है। पहला है शिक्षक, दूसरा है नृत्य करते हुए, तीसरा है विश्राम करते हुए, चौथा है ध्यान मग्न। आपको बताना है बच्चों कि शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है, और ये आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है, इसको आपको बताना है। और आई होप आपने इसका आंसर भी ढूंढ लिया होगा, और ये जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर एक सही है, यानी कि शिक्षक के रूप को प्रदर्शित करता है शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लगते हों प्रश्न तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि प्रश्न अच्छे थे। अगर ईजी लगते हैं तो भी बताइए कि मैम और हार्ड दीजिए, और अगर हार्ड लगते हैं तो भी बताइए, और अगर जो है और कोई समस्या है तो अपनी सारी समस्याओं को बताइए। आपको जो भी ज़रूरत हो, जो भी दिक्कतें हों, आप लोग बेझिझक बोलिए, हमारा जितना सामर्थ्य है हम उतना बेहतर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, चोल राजाओं में किस सीलोन पर विजय प्राप्त की थी, किसने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी, और सीलोन किसे कहा जाता है, वर्तमान में इसी को श्रीलंका कहा जाता है, याद रखेंगे वर्तमान में इसी को श्रीलंका कहा जाता है, सीलोन को। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि वर्तमान में सीलोन किस नाम से जाना जाता है, या श्रीलंका प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो आपको बताना है चोल राजाओं में से किसने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। पहला है आदित्य प्रथम, दूसरा है राजराज प्रथम, तीसरा है राजेंद्र प्रथम, और चौथा है आपका जो है यहाँ पे बच्चों राजेंद्र प्रथम दो बार हो गया है, इसलिए आपका ये ऑप्शन कट कर दे रहे हैं हम, यहाँ पे कर दे रहे हैं विजयालय। अब बताएंगे बच्चों कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा जो कि सही है, यानी कि जिन्होंने श्रीलंका पर अधिकार किया था। ये क्वेश्चन भी आयोग का बहुत ही पसंदीदा है, ये आईएएस में भी आया है, नेट में भी आया है, और अन्य एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया है। तो आई थिंक आपको ये आंसर मिल चुका होगा कि क्या आंसर होगा, और ये बहुत ही बढ़िया है, और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है राजेंद्र प्रथम, आप ये मत सोचिएगा कि राजराज फर्स्ट भी ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चोल राजाओं में किसने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी, यानी कि ये नहीं कह रहा कि किसने उसके कुछ क्षेत्रों को जीता था। अगर ये कहता कि चोल राजाओं में कौन सा, यहाँ देखेंगे बच्चों चोल है, चोल राजाओं में किस राजा ने श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र को, या किस राजा ने श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों को जीत कर चोल साम्राज्य में मिलाया था, अगर ये क्वेश्चन हो जाए तो आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम, जो राजेंद्र प्रथम के पिता हैं। लेकिन जब ये कहे कि किसने जीता था, या किसने पूरी तरह से श्रीलंका को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, वो कौन सा चोल शासक था, तब हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ही सबसे ज़्यादा पराक्रमी राजा है, इसी के शासनकाल में चोल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार है, इसी ने गंगा अभियान किया था, इसी ने बंगाल की खाड़ी में गंगईकोंड चोलपुरम नामक झील का निर्माण किया था, साथ ही इसी ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक राजधानी भी बनाई थी, और इसी ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक उपाधि भी धारण की, और इसी नाम का मंदिर भी बनवाया था। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं कि गंगा अभियान किसने किया, किसने उपाधि ली, किसने नगर बसाया, किसने ऐसी मंदिर का निर्माण किया, तो ये सारे पॉइंट याद रखेंगे बच्चों। गंगईकोंड चोलपुरम ये राजेंद्र प्रथम से जुड़ा है, राजेंद्र प्रथम से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। और वहीं जो आपके राजराज प्रथम हैं, ये श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र को जीते थे, और इन्होंने सबसे पहले राजस्व का लेखा माप करवाया था चोल साम्राज्य में। चोल साम्राज्य में राजस्व की माप करवाना और उसका रजिस्टर में अच्छे से डिटेल रखना, लेखा रखना, लिखित रूप में रखना, ये सब राजेंद्र प्रथम ने, राजराज फर्स्ट ने करवाया। याद रखेंगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट, ये दोनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो आई थिंक आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था।
तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। आपने देखा श्रीलंका से जुड़े हुए तीन तरह के क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला कि श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों को किसने जीता या श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्रों को किसने जीता, राजराज फर्स्ट। और आए कि किसने पूरी तरह से श्रीलंका को जीता, तो राजेंद्र प्रथम। लेकिन फिर कह रहा है कि किस राजा ने इसको स्वतंत्र कर दिया पूरी तरह से आगे चल के, और अपनी पुत्री का विवाह भी वहाँ के राजकुमार से कर दिया, तो क्या ये कोलुतुंग प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है, आधिराजेंद्र प्रथम है या राजाधिराज प्रथम है, बताना है बच्चों। आपको ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार आया है, यूपी पीसीएस प्री मेंस में ये क्वेश्चन बार बार आए हैं, साथ ही ये अन्य एग्जाम्स में भी बार बार देखने को मिले हैं। तो आई थिंक आपको इसका आंसर भी पता होगा। ये तीन राजा जो चोल राज से संबंधित हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इसका ऑप्शन है कोलुतुंग फर्स्ट। इन्होंने ही श्रीलंका को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया था, या इन्हीं के शासनकाल में श्रीलंका पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। इन्होंने वापस श्रीलंका पर अधिकार नहीं किया, बल्कि अपनी पुत्री का विवाह वहां के राजकुमार से करके वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इन्होंने श्रीलंका को पूरी तरह से जीता था, और राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को के उत्तरी क्षेत्र को जीता था। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोलुतुंग फर्स्ट ने चीन में राजदूत भी भेजे थे, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बच्चों कथन कारण का क्वेश्चन है, जैसा कि आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनता है, ऐसे प्रश्न भी आपके लिए लिए गए हैं। तो कथन है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा उनके पहले के राजाओं से ज़्यादा हम जानकारी रखते हैं चोलों के बारे में, ये कथन है। कारण है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विधियों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो आपको बताना बच्चों क्या कथन कारण सही और व्याख्या कर रहा है। दूसरा है कि कथन कारण सही नहीं है, व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है कि कथन सही है, कारण गलत है। और चौथा है कथन गलत है और कारण सही है। तो आपको बताना बच्चों कौन सा है जो आपका सही आंसर हो जाएगा। और आई होप आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी कि दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो आपको पता है बच्चों साफ साफ लिखा है कथन में कि हमें चोल विषय के बारे में या चोल साम्राज्य के बारे में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों से ज़्यादा जानकारी मिलती है। रीज़न भी बता रहा है क्योंकि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विधियों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे, और इन सब की उपलब्धता है तो जाहिर सी बात है चोल साम्राज्य के बारे में जानकारी ज़्यादा मिलेगी। यानी कि दोनों बातें सही हैं और कथन का कारण पुष्टि भी कर रहा है। नेक्स्ट बच्चों, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है कि प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था। तो पहला है तगर, दूसरा है श्रीपुर, तीसरा है त्रिपुरी, चौथा है ताम्रलिप्ति। तो बताएंगे बच्चों कि कौन सा वो प्लेस है जो कि व्यापार मार्ग को जोड़ता था। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नगर है जो या केंद्र है जो उत्तरी मार्ग पर था और जो कल्याण और बेंगी को जोड़ता था। तो आपको बताना बच्चों कौन सा प्लेस है वो, और ये आपके लिए नया भी हो सकता है, लेकिन आईएएस में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, जो तगर है ये प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है और यह कल्याण तथा बेंगी के मध्य स्थित था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये याद रखिएगा, आईएएस का प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। ये अपने आप में अपवाद है, जो महिलाओं को प्रशासन में उच्च स्थान दिए गए हैं, और आपको बताना वो कौन सा राजवंश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्ज़ाम में बार बार आता है। यूपी पीसीएस प्री मेंस दोनों में आ चुका है और नेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया है, और अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आई थिंक आप बता सकते हैं बच्चों कौन सा वंश था जिसमें महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों चोल हैं, चालुक्य हैं, पाल हैं या सेन हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये है चालुक्य। चालुक्यों के शासनकाल में ही प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था, ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आगे बढ़ेंगे और आपका जो 14 नंबर का क्वेश्चन है,
ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नेट पीसीएस आईएएस सभी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? कवि कालिदास का नाम उल्लेख किस में हुआ है? पहला इलाहाबाद स्तंभ लेख, दूसरा है यहोल के उत्कीर्ण लेख, तीसरा है अल्फादुदान लेख और चौथा है हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख। तो आपको बताना बच्चों, कौन से लेख में पता चलता है कि कवि कालिदास का नाम उत्कीर्ण है? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और आपको इसका आंसर बताना है बच्चों, और ये आपके लिए काफ़ी आसान है और इम्पॉर्टेंट भी। आई होप आपने आंसर ढूंढ लिया होगा कि आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किससे जुड़ा है? पुलकेशिन सेकेंड, जिन्होंने नर्मदा नदी के किनारे हर्ष को हराया था नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन सेकेंड में, जो कि चालुक्य राजा हैं। इन्हीं का अभिलेख है यहोल अभिलेख, जिसको इनके दरबारी कवि रविकीर्ति ने लिखा है। और जो रविकीर्ति हैं ये अपने इसी यहोल अभिलेख में लिखते हैं कि ये अभिलेख लिखने के बाद मैं कालिदास और भारवी के समान ही जो है श्रेष्ठ बन गया हूँ। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा कवि है जो अपने आप को भारवी से और कालिदास से श्रेष्ठ बताता है, तो वो रविकीर्ति बताते हैं। या मतलब कौन है जो कालिदास और रविकीर्ति जो है कालिदास के अपने आप को पैरलर मानता है और भारवी के, तो रविकीर्ति हैं जो कालिदास और भारवी के पैरलर खुद को बताते हैं यहोल अभिलेख में, जो कि पुलकेशिन सेकंड का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था बच्चों, आई होप इसका आंसर आपको समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है, ये पहले के एग्ज़ाम में पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता था। प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किसका देवता था? पहला है एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, दूसरा है हाथी के दांत का, तीसरा है नृत्य के लिए यवन राज्य सभा में भेजे जाने वाले नर्तकियों का, और चौथा है काली मिर्च का। तो बताएंगे बच्चों कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किसका द्योतक है या किसके लिए उपयोग में लाया जाता था? तो ये भी आपके लिए काफ़ी आसान होगा और आप इसको फटाफट बता सकते हैं। आज का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय जो काली मिर्च है इसको यूनानियों एवं रोमियों जो रोमवासी हैं ये लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसी वजह से इसके लिए शब्द उपयोग किया गया है यवन प्रिय का। नेक्स्ट है बच्चों, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा है, कन्नौज क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। बच्चों प्रश्न बहुत ही अच्छा है और ये आईएएस में आया हुआ प्रश्न है, ये सब आप लोगों को एक बढ़िया नॉलेज देने वाले प्रश्न हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी बेहतर करेंगे। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो आपका पहला था कि क्या केवल पहला सही है, दूसरा है क्या केवल दूसरा सही है, और तीसरा है कि क्या दोनों सही हैं, और चौथा है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जो कि सही है। आई थिंक आपने इसका आंसर भी ढूंढ लिया होगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। नो डाउट इसका दोनों ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है, और आपका पहला है, क्या गुप्त काल का मंदिर जो है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है? दूसरा है, क्या चंदेलों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया है? तीसरा है, क्या चालुक्यों ने बादामी के मंदिर का निर्माण किया है?
और आपका लास्ट है कि क्या पल्लवों ने दशावतार मंदिर का निर्माण किया है। तो बताना बच्चों कौन सा ऑप्शन है जो कि सही सुमेलित नहीं है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। आप इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि ये कौन सा किस काल से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ काल है, तो आपको सबको पता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दशावतार मंदिर ये पल्लवों का नहीं है, बल्कि किसका है, गुप्तों का ही है। दशावतार देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी में पड़ता है, पंचायतन शैली में बना गुप्तकाल का भव्य मंदिर है। तो इसलिए आपका गुप्तकालीन मंदिर है ये। और ये कह रहा कौन सा सही नहीं है, तो चौथा सही नहीं है। जो चालुक्य हैं ये बादामी के थे, इन्होंने बादामी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। जो चंदेल है इन्होंने खजुराहो में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया है, और गुप्तों ने देवगढ़ में बहुत सारे मंदिरों का बढ़िया तरीके से निर्माण किया, और इसी देवगढ़ में दशावतार मंदिर भी है। ये चीज़ें याद रखेंगे, सारी बातें इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। इनमें से कोई एक है जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम हुआ करता था। पहला है चतुर्वेदी मंगलम, दूसरा है परिषद, तीसरा है अष्ट दिग्गज, चौथा है मणिग्रामम। तो आपको बताना बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो गया बच्चा लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि प्राचीन व्यापारियों का निगम जो है ये मणिग्रामम कहलाता था। अष्ट दिग्गज नहीं होगा, आपको पता अष्ट दिग्गज शिवाजी के दरबार में थे, अष्ट प्रधान जो थे ये आपके कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यापारियों का निगम मणिग्रामम कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी एग्जाम में कई बार आया है, इसका आंसर भी आप लोग बता सकते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा है जो राज्य और उसकी राजधानी से सही सुमेलन नहीं करा रहा है, और ये 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक की बात है। पहला है पल्लव, क्या पल्लव कांचीपुरम से जुड़े थे। दूसरा है पांडे, क्या पांडे मदुरा से जुड़े थे। तीसरा है चेर, क्या चेर पुदुचेरी से जुड़े थे। चौथा है चोल, क्या चोल तंजौर से है, और क्या होयसल द्वार समुद्र से है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको बताना है, और यहाँ से आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न तैयार होने वाला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आया है। तो पहले भी तो नो डाउट सबको पता है कि सही है, पहला बिल्कुल सही है, कांचीपुरम के मंदिरों का निर्माण जो है ये पल्लवों ने करवाया, जिसमें रथ मंदिर है, जिसमें सप्त पैगोडा रथ मंदिर शामिल होते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि भीम का जो रथ मंदिर है सबसे बड़ा है, जिनको धर्मराज कहा गया है, जो द्रौपदी है उनका रथ सबसे छोटा है, इसके अलावा अन्य भी जो हमारे जो है महत्वपूर्ण मंदिर हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपको पता है कि जो आपका 5 है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपको सॉरी बच्चों आपका जो 3 है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चेर आपको पता है कि ये केरल के क्षेत्र में थे, अगर केरल के क्षेत्र में चेर थे तो ये पुदुचेरी कैसे हो जाएगा, यानी कि पल्लव कांची का सही है, पांडे की राजधानी मदुरा थी और मदुरा में इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, चोलों की राजधानी तंजावुर थी और तंजावुर में इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, होयसल जो है द्वार समुद्रों की राजधानी जो है द्वार समुद्र जो है होयसलों की राजधानी, ये भी सही है, और आपका जो चेर है ये भी सही सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत सारे पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका प्रश्न है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, दूसरा है महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, तीसरा है परांतक प्रथम, याद रखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, और चौथा गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। अब कह रहा है कि उपर्युक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही काल
कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपके लिए थोड़ा हार्ड प्रश्न है और ये आईएएस 2020 का प्रश्न है। अब लेटेस्ट प्रश्न देखिए बच्चों कितना हार्ड है। जब आप लोगों को हार्ड प्रश्न देते हैं तो आप लोग डरने लगते हैं, जबकि सच तो यही है कि कंपटीशन की डिमांड है हार्ड प्रश्न। तो अब आप देखेंगे आपके सामने कूट भी हैं और आपको कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा है जो कालक्रम के हिसाब से सही हो जाएगा। तो कालक्रम के हिसाब से बच्चों जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके जो सी के हिसाब से पहला क्या है, महेंद्र वर्मन प्रथम, ये क्या है पल्लव सत्ता की स्थापना इन्होंने 600 से 630 ईस्वी में किया है। और उसके बाद कौन हो जाएंगे, गोपाल, गोपाल द्वारा पाल साम्राज्य की स्थापना 750 से 770 के बीच किया गया है। याद रखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या किया है स्थापना, इन्होंने किया है 600 लेकर के जो है पहला जो आपका हो जाएगा महेंद्र ने 600 से लेकर के 630 तक, 600 से 630 तक का किया है। और उसके बाद जो आ गए हैं वो हैं आपके गोपाल, इन्होंने 750 से 750 से लेकर के किया है 770 ईस्वी तक। इसके बाद जो आते हैं वो हैं आपके परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना 907 में किया गया है, 907 से 955। और जो आपके प्रतिहार या भोज शासक हैं ये 836 से 885 के आसपास के हैं। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहले नंबर पे दूसरा, इसके बाद आपका तीसरा, यानी कि ये होगा पहले, फिर इसके बाद होगा आपका चौथा गोपाल, इसके बाद आपका पहला और फिर आपका तीसरा, यानी कि दूसरा चौथा पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके काफ़ी लेवल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है, पहला है चालुक्य, दूसरा है राजपूत, तीसरा है गुप्त, चौथा है मौर्य। वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसानी से बता सकते हैं बच्चों, कोई दम नहीं है इस प्रश्न में कि किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है। ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप इसको बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा राजवंश हो सकता है जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है। तो सबको पता है कि जो चालुक्य हैं ये महाराष्ट्र में हैं और ये एमपी तक का इनका क्षेत्र हो सकता है, लेकिन ये उत्तर भारत में नहीं आए हैं, खास करके महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ही इनका विस्तार था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा या फर्स्ट सही हो जाएगा, राजपूत, गुप्त, मौर्य, ये सारे उत्तर के ही तो राजवंश हैं। और कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए या फर्स्ट आपका नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था, वो कौन से राजा है जिन्होंने कहा कि पशुओं पर जो क्रूरता होती है उस क्रूरता को प्रतिबंधित कीजिए, इसके लिए उन्होंने काशी क्षेत्र में भेजा था, वो कौन है, क्या वो चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह हैं, या चालुक्य के राजा कुमारपाल हैं, या चोल राजा कोलुतुंग प्रथम हैं, या कश्मीरी राजा जयसिंह हैं। तो आपको बताना बच्चों वो कौन सा राजवंश है और राजा है जिन्होंने ऐसा वर्क किया था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए नया होगा, लेकिन ये कई एग्जामों में आ चुका प्रश्न है और इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही हो जाएगा, चालुक्य राजा कुमारपाल ने ही अपने मंत्रियों को भेजा था पशु बलि का जो क्रूर प्रथा है इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कदंब राजा की राजधानी थी, पहला है तंजौर, दूसरा है वनवासी, तीसरा है कांची और चौथा है बादामी। तो बताएंगे बच्चों कौन सा है जो कि आपका सही है और आई होप आप इसका बहुत अच्छे से आंसर बता सकते हैं। ये प्रश्न भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर जो है ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर है वनवासी। ऑप्शन नंबर दो आपका बिल्कुल सही है, कदम राजा की राजधानी वनवासी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था बच्चों। नेक्स्ट है आपका, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, पहला है चेन्नई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है मदुरई और चौथा है महाबलीपुरम। तो बताएंगे बच्चों कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ पर, और आई होप आपको इसका आंसर पता चल चुका होगा कि मीनाक्षी मंदिर जो ये पल्लव से संबंधित है ये कहाँ पे हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है, मदुरई,
मदुरई में है आपकी मीनाक्षी की मंदिर, और ये मंदिर बहुत ही भव्य है और काफ़ी खूबसूरत है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। जो संगम काल में प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था उसका आयोजन यहीं पे किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो है फर्स्ट में अगस्त थे और थर्ड में नक्कीरर थे। ये क्वेश्चन भी आता है, इसलिए सारे पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, और आज का आपका लास्ट प्रश्न है, 25 नंबर का प्रश्न। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत ईसा पूर्व में भेजा था? तो आपको बताना है कि वो कौन सा राजा है दक्षिण का, जिसने जो है दूत भेजा था। याद रखेंगे बच्चों ये ता है, दूत भेजा था, और कब भेजा है तो 26 ईसा पूर्व में भेजा है। क्या वो चोल हैं, चेर हैं, पांडे हैं या चालुक्य हैं? कौन सा राजा है जिसने चोल साम्राज्य में दूत भेजा है? तो आई होप आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पांडे राजाओं ने ही जो है रोम साम्राज्य में अपना एक दूत भेजा था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको ये सारी बातें बार बार रिविज़न करनी है बच्चों, और जो क्लासेस पूरी हो चुकी हैं उनको भी रिविज़न कीजिएगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, भूलने नहीं चाहिए। बार बार रिविज़न करेंगे तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बिकॉज दक्षिण के इतिहास से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इसीलिए आज के आपके सारे प्रश्न जो हैं वो दक्षिण के जो साम्राज्य है उन्हीं के ऊपर ही आधारित थे, और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको ये सारे प्रश्न बताए गए हैं। तो बच्चों प्रश्न कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और आगे हमारा प्रयास आप लोगों के लिए जारी है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको जो है कई बार समझा भी चुकी हूँ। प्रश्न है, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। शिल्पाधिकारम के लेखक का नाम, लेखक का नाम बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। शिल्पाधिकारम के लेखक का क्या नाम था? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। और साथ ही एक और प्रश्न का आंसर दीजिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा है आपका अमुक्त माल्यद जो पुस्तक है ये, इसकी रचना किसने किया है, इसके लेखक का नाम भी बताना है आप लोगों को। ये दो महाकाव्य हैं जिनको आपको बताना है, पहला शिल्पाधिकारम, दूसरा अमुक्तमाल्यद। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा आप लोग। अगर नहीं पता है तो जब याद आए तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। आप लोगों के मैक्सिमम आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए रहने देते हैं बच्चों, नेक्स्ट डे हम लोग ऐसे ही चुनिंदा प्रश्नों के साथ मिलेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।